रुड़की के पिरान कलियर पुलिस ने एक बच्ची के अपहरण का आज खुलासा किया है। बच्ची के अपहरण के आरोपी में बच्ची की मां के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ बच्ची को सकुशल बरामद भी कर लिया है। दरअसल पूरा मामला रुड़की क्षेत्र के पिरान कलियर का है, जहां पर बीते शुक्रवार को 5 वर्षीय बच्ची अपने घर के आंगन से गायब हो गई थी। वहीं बच्ची की मां ने उसके पिता समेत 3 लोगों पर अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। कलियर पुलिस ने मुकदमे के आधार पर बच्ची के पिता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बीवी का कलियर के ही किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस कारण उन दोनों के बीच मनमुटाव है और बीवी उससे अलग रह रही है। वहीं पुलिस ने महिला के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 4 साल की उम्र की थी, उसको उसका अपहरण हो गया था और उसकी मां ने थाने पर अपने पति जिसके साथ उसका विवाद चल रहा है उसके विरुद्ध और 3 अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था अपहरण का। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश शुरू करने के बाद पुलिस को पाया कि वो लड़की को उसका प्रेमी, जो महिला है जिसने मुकदमा लिखाया, उसका एक प्रेमी था जो उसको उठा के ले गया और मुजफ्फरनगर एक मंदिर के पास उसको छोड़ के आ गया था। उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। और जो महिला द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया था अपने पति और अन्य लोगों के खिलाफ, वो उसमें झूठा पाया। प्रेमी युवक आसिफ ने बताया कि पिछले 2 साल से वो महिला से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन युवक के घर वाले बच्ची को साथ नहीं रखना चाहते थे, जिस कारण उसने शुक्रवार को बच्ची को घर से उठाया और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के छपार में छोड़ दिया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची को मुजफ्फरनगर के छपार गाँव से सकुशल बरामद कर लिया है। लाइव उत्तराखंड के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट।